हेलो दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें 2000 रुपए के नोट को लेकर बात चल रही है। वही इससे पहले 8 नवंबर 2016 को आरबीआई द्वारा 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया था। उसके बाद अब 2000 रुपए के नोट को भी बंद करने की सलाह की जा रही है। वही रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के नोट को जारी न करें, हालांकि ये नोट लीगल ट्रेड में बने रहेंगे। आरबीआई का कहना है कि आने वाले 23 मई से कोई भी ग्राहक अगर 2000 रुपए के नोट को बैंकों में जमा करवाता है तो उन्हें एक्सचेंज के तौर पर सिर्फ 20000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट पड़े हैं तो जल्दी से जाकर बैंकों में जमा करवा ले और उन्हें एक्सचेंज करवा ले, वरना बाद में आपको पछताने तक का भी मौका नहीं मिलेगा।